नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नया वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। जिस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मौसम के बारे में। मौसम कैसा है इसके बारे में आप लोग पढ़ते रहते होंगे समाचार पत्रों में, आप देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए गूगल पर सर्च करके। इन दिनों आप एक बार सर्च करके ज़रूर देख लेते होंगे कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये कि आखिर जो ये मौसम हम लोग पढ़ते हैं, मौसम है क्या चीज़ और इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है, या जैसे कहें कि जो भी मौसम विज्ञान के केंद्र होते हैं मौसम के, तो वो कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि बारिश कब होगी, या मौसम सूखा रहेगा या बारिश होगी, या ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, या इन सब के बारे में हम कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है, कैसे उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, या कहें कि वेदर फोरकास्ट कैसे बताया जाता है, उसके बारे में देखना है। तो मौसम के बारे में पढ़ेंगे, मौसम आखिर होता क्या है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आज की जलवायु गर्म है, या कहें कि हम कभी नहीं कहते हैं कि आज जलवायु थोड़ी सी कम गर्म है, या कहें कि जलवायु और मौसम में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। जो मौसम होता है वो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग कह सकते हैं होता है, या कहें अल्पकालीन जो मौसमी दशाएं हैं उनका औसत कह सकते हैं, योग होता है उसको हम कहते हैं अल्पकालीन। जो होता है मौसम कहलाता है, मतलब कि जो थोड़े थोड़े समय पर चेंज होते रहते हैं, जैसे कभी बारिश होना शुरू हो गई, कहीं बादल एकदम से आ गए, या कहीं हवा चलने लग गई, तो जो अल्पकालीन क्रियाएं होती हैं यही सब, इनका जब हम आपस में जब हम एक प्रकार से कह सकते हैं आंकड़े इकट्ठा करके इनका हम योग निकालते हैं, कहने का मतलब है उसी को हम कह सकते हैं ये है कि वो मौसम होता है। लेकिन जब एक लंबी प्रक्रिया के दौरान जब एक ऐसी कंडीशन बन जाए कि इन सब का एक काफ़ी लंबे समय के, मतलब 19 साल 32 साल इस तरीके से जब हम इसका एवरेज काफ़ी लंबे समय के दौरान करते हैं, तो उसको हम जलवायु कह देते हैं। जैसे भारत की जलवायु मानसूनी है, या किसी फला देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो उसको हम एक कह सकते हैं कि काफ़ी लंबी ड्यूरेशन होती है। अर्थात मौसम जो होता है वो अल्पकालीन होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया के, मतलब काफ़ी लंबी समय अवधि के दौरान की स्थिति को हम कहते हैं। लेकिन दरअसल मौसम क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। ये कह सकते हैं कि आज गर्म है, कल ठंडा हो जाए, परसों बारिश होने लगे, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो स्थायी होता है, अर्थात उसमें चेंजेस आपको काफ़ी लंबी समय के दौरान देखने को मिलेंगे। जैसे जलवायु का परिवर्तन हम पढ़ते हैं, कभी हम ये नहीं पढ़ते कि मौसम परिवर्तन पढ़ लें। मौसम परिवर्तन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, लेकिन जलवायु परिवर्तन वर्तमान में समस्या है। अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हमारी पूरी जलवायु की एक लंबी प्रक्रिया के दौरान बदलती चली जा रही है, तो इसलिए हम उसको क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं। कभी वेदर चेंज के बारे में कोई बहुत बड़ी डिस्कस नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो तो अल्पकालिक क्रिया है। हवाएं चलना शुरू हो गई, बादल हो गए, मौसम चेंज हो गया, मौसम सुहावना हो गया। तो कहने का मतलब ये कि हमें मौसम को पढ़ना है तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का औसत जो होता है वही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। लेकिन मौसम के मापन के कौन कौन से तत्व हैं, किन आधारों पर हम मौसम का मापन करते हैं, यह कहें कि मौसम के मापन के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, हम लोग क्या सोचते हैं। आप अभी गूगल पर सर्च कीजिए लखनऊ टेम्परेचर या लखनऊ वेदर, अभी पूरा बन के आ जाएगा कि कितना अल्ट्रावायलेट कितना रहेगा, या कहें कि ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, ड्यू पॉइंट कितना है, या ये सभी की पूरी डिटेल आ जाएगी, कितने परसेंटेज चांस है बारिश के, ये सभी पूरे भी डाटा आपके सामने खुल के पूरा आ जाएगा। लेकिन जो डाटा खुल के आएगा तो वो डाटा कैसे इकट्ठा किया गया, कि वो डाटा कहाँ से आया, किसने इकट्ठा किया और वो आपको सामने उपलब्ध हो गया, तो उनके लिए कुछ मापन के तत्व हैं। जैसे तापमान है, तापमान के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर का। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर होता है, वायुमंडल में जितनी नमी कह सकते हैं उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। वायुदाब हम बैरोमीटर से मापते हैं, अभी बताऊंगा बैरोमीटर से कैसे मापते हैं। वृष्टि, मतलब कि बारिश को मापन कैसे करेंगे, रेन गेज से कर देंगे। रेन गेज से कैसे कर देंगे, रेन गेज होता है, मतलब कि एक आप अच्छे तरीके से कहें आपको मापन करना है कि कितनी बारिश हुई, तो आप एक ऐसी कोई बाल्टी ले लीजिए, या कोई उस तरह का बर्तन ले लीजिए जिसकी ऊपर की सतह और नीचे की सतह बिल्कुल बराबर हो, मतलब अगर ये ऊपर की 10 सेंटीमीटर तो नीचे की भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ये और ये बराबर होना चाहिए। तो आप इसको ले जा करके बारिश, जैसे भी मान लीजिए बारिश होना शुरू हो जाए, तो आप इसको ले जा करके कहीं बाहर रख दीजिए। बाहर रखने के बाद बारिश जब होती रहेगी तो आप इसको माप लीजिए, बारिश बंद हो गई और ये कितना हुआ, ये जो बर्तन था ये 10 mm भर गया, तो आप कह देंगे कि बारिश कितनी हुई, 10 mm बारिश हो गई है। तो इनका कह सकते हैं कि इस आधार पर हम मापन कर लेते हैं, वर्षा का मापन इससे हो जाता है। फिर बादल देख करके आप आइडिया लगाया जाता है, क्योंकि बादल जब मैं आगे चैप्टर बताऊंगा बादल का, तो हम उसमें पढ़ते हैं निम्बस बादल, क्यूबुलस बादल, इन सब
बादलों के बारे में पढ़ते हैं तो प्रत्येक बादल की एक प्रकृति होती है, उनके आगे लो प्रेशर होता है कि उनके पीछे बादल हाई प्रेशर में होते हैं, या इन सब के बारे में उसमें बादल के देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बादल कैसे रहेंगे। तो और दूसरी चीज़ है कि सेटेलाइट इनसेट सेटेलाइट वगैरह क्या होती हैं, पूरा निगरानी करती रहती हैं ऊपर कि कौन कौन से बादल वगैरह किन किन क्षेत्रों में हैं, तो उससे एक आइडिया लगाया जाता है। फिर हवा की गति है, हवा की गति एनीमोमीटर से मापते हैं, बता रहा हूँ एनीमोमीटर कैसे कार्य करता है। एनीमोमीटर से हवा की गति का मापन कर लिया जाता है कि हवा इस समय देखें तो आप देख रहे होंगे हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, तो हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही तो उससे एक आइडिया लगाया था हवा इस तरफ चल रही, अर्थात जो अब जो मानसून की कंडीशन बन रही है वो बंगाल की खाड़ी से अर्थात इस तरफ से इस तरफ की ओर बन रही है। तो ये ऐसी कंडीशन जब बनती है तब उत्तर भारत में क्या होती है, बारिश होती है। तो जब उत्तर भारत में जब बारिश होगी तो इससे एनीमोमीटर से अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हवा की गति किस तरफ जा रही है। अब बात आती है ये सब कार्य कैसे करते हैं, मैं बात करूँगा वायुदाब की बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर भी एक होता है, उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि उससे क्या हो कि नमी इकट्ठा कर दी जाए। तो आर्द्रता के लिए मापन के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर के ही जैसा होता है, और वायुदाब के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायु का दाब कैसे मापा जाता है ये उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वायुदाब कैसे मापेंगे हम। ये कोई एक इस तरीके का बना होता है, इसमें क्या होता है पूरा पारा भरा रहता है, और ये क्या होता है मापी कह सकते हैं यंत्र की तरह, इसमें इस तरह लगा होता है जिसमें भी क्या होता है पारा, ये पूरा क्या पारा भरा हुआ है। वायुमंडल प्रेशर हम माप रहे हैं, मतलब वायु का दाब, मतलब वायु का कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो वायु का दाब जब यहाँ पे वायु का जितना दाब अधिक होगा, तो जब अगर जो इस क्षेत्र में दाब अधिक पड़ा तो ये जो पारा होगा ये ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्या होते हैं पॉइंट्स लिखे रहते हैं जो मापन के, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इस तरह पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे इस पे वायुमंडल का जो प्रेशर है, वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है वो जैसे जैसे इस पे पड़ता चला जाता है, ये पारा जो है इसके अंदर जो मापी लगा हुआ है ये ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। इधर क्या होता है जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 करके इस तरफ मापी लगे होते हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर अधिक हुआ, जब प्रेशर अधिक हुआ तो ये जो और ज़्यादा पारा यहाँ तक चढ़ जाता है, ऊपर ये निर्वात होता है, मतलब वैक्यूम कंडीशन बना दी जाती है। तो लेकिन जब ये वायुमंडलीय प्रेशर अधिक है तो ये क्या होगा, जो ये बैरोमीटर है ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, लेकिन जब प्रेशर डाउन होगा तो बैरोमीटर क्या होगा नीचे की ओर खिसकेगा ताकि इसके लेवल तक आ सके, इसके लेवल तक आ जाएगा। फिर अगर जो देखिए परीक्षण प्रश्न पूछा जाता है कि अगर जो बैरोमीटर में अचानक से आप देखें तो इसकी रीडिंग जो है कि अचानक से अगर जब नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, तो चक्रवात आता है। तो आपके दिमाग में आएगा चक्रवात कैसे आ जाते हैं, तो आप पढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि हवा लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो अगर जो यह क्षेत्र, मतलब कि अगर यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे कैसा हो गया, लो हो गया, प्रेशर क्या है लो है, जब लो प्रेशर हो गया अर्थात निम्न दाब का क्षेत्र हो गया, टेम्परेचर हो गया अधिक, एकदम से गिरा मतलब वायुमंडलीय जो दाब था वो एकदम से कम हो गया, जब वायुमंडलीय दाब एकदम से कम हो गया तो आसपास जो उच्च दाब का क्षेत्र था ये यहाँ पे क्या होगा साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा। जब ये साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा उससे क्या होगा कि यहाँ पे चक्रवात की स्थिति बनेगी। तो ये चीज़ आप याद रखिए जब एकदम से रीडिंग डाउन हो जाए। लेकिन अगर जो ये रीडिंग बिल्कुल स्लोली स्लोली धीरे धीरे डाउन हो रही है, अर्थात धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, और आप जान रहे हैं जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है तो बारिश की कंडीशन होती है, क्योंकि जब लो प्रेशर बना है धीरे धीरे बना है तो बारिश होगी, चक्रवात की कंडीशन नहीं बनेगी लेकिन नॉर्मल बारिश हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर जो ये ऊपर की ओर चढ़ा जा रहा है, रीडिंग ज़्यादा बताता चला जा रहा है, अर्थात मौसम क्या है बिल्कुल साफ, मतलब हाई प्रेशर तो कुछ भी नहीं, तो ये मौसम साफ के अनुमान बताया जाता है। तो इसी तरीके से होता है, ये वायुमंडलीय प्रेशर मरकरी पे जितना प्रेशर डालता है ये ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है, और अगर जो मरकरी डाउन जाती है तो इसका मतलब एकदम से डाउन चली जाए तो चक्रवात, अगर स्लोली डाउन होती है तो बारिश होती है। तो इसके आधार पर हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। फिर एक हवा की गति है एनोमीटर, एनीमोमीटर में क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से चार कह सकते हैं, इसमें टोपियों की तरह से एक कह सकते हैं कप के तरह से यहाँ पे आकृतियाँ बनी होती हैं, नीचे की तरफ एक लगा होता है जिसको हम बोलते हैं जनरेटर, और वो जैसे जैसे घूमती हैं उससे क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हवा की गति का अंदाज़ा लगा लेते हैं, मतलब हवा की गति का अंदाज़ा कह सकते हैं पवन चक्की की तरह होता है, जैसे जैसे घूमेगा ये जनरेटर
जितनी एनर्जी या जितना एनर्जी होगी वो पता कर लेगा कि हवा की गति कितनी तेज है। तो ये एनीमोमीटर क्या करता है, हवा की गति को क्या करता है, मापने का कार्य करता है। तो ये जैसे जैसे जितनी तेज घूमेगा ये, और उतनी तेज से इसमें भी कह सकते हैं रीडिंग आ जाएगी, मतलब जनरेटर उतनी तेज़ी से घूमेगा, उससे आइडिया लगा लिया जाता है। तो अब फिर क्या होता है कि इन सब डाटों को इकट्ठा कर लिया जाता है, और इन डाटों को इकट्ठा करके एक कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जरिए पूरा क्या एनालिसिस किया जाता है, और एक विशेषज्ञ क्या करता है उन डाटों को पूरा बता देता है कि हाँ ये कंडीशन बनेगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, कम रहेगा, बारिश होगी, इन सभी आंकड़ों के जरिए अंदाज़ा लगा लिया जाता है। फिर जब मौसम का पूर्वानुमान किया जा रहा है तो आखिर क्यों किया जा रहा है मौसम का पूर्वानुमान, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे यही है कि घर बैठ के हम देख सकते हैं कि बाहर बारिश, आज मौसम कैसा रहेगा, निकलें या ना निकलें घूमने के लिए, ये अपनी व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन जब हम सर्वसाधारण की बात करते हैं तो इसका अनुमान हम कृषि में लगा सकते हैं, कृषि में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मतलब कि बारिश का अगर जो बारिश होने वाली है तो बारिश अगर जो होने वाली है तो खेतों की सिंचाई वगैरह लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बारिश होने वाली है तो सिंचाई करने का क्या औचित्य बनता है। और दूसरा, सूखे की स्थिति जब बनने वाली है तो लोग अगर जो मान लीजिए अभी आप देख रहे होंगे आज जुलाई की आज 5 तारीख हो चुकी है और आप देख रहे होंगे कि बारिश वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही है, जब बारिश नहीं हो रही है अगर जिसका पूर्वानुमान पहले से जारी कर दिया गया है तो जो भी धान की रोपाई करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, नहरों से ट्यूबवेल के जरिए क्या करते हैं धान की कह सकते हैं कि फसल अपना लगाना शुरू करने, तो फसल लेट हो जाएगी। लेकिन अगर जो यही पूर्वानुमान पहले जारी कर दिया जाता कि बारिश होगी तो लोग अभी सीधी बात है कि अपने खेतों से इंजन से सिंचाई वगैरह नहीं कर रहे होते। तो ये कृषि में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है वायुयानों की उड़ानों में, क्योंकि आप जानते हैं वायुयानों की उड़ानों के लिए मौसमी दशाओं का अनुकूल रहना बहुत ज़रूरी होता है। लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है वहाँ पे आप देखेंगे मौसम पूर्वानुमान केंद्र बना हुआ है, आप जाएंगे कभी आप, तो कहने का मतलब ये है कि वो वायुयानों की उड़ानों के लिए मौसम के पूर्वानुमान बहुत ज़रूरी होता है। कोई वायुयान का उड़ान भरेगा, बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली, कोई चक्रवात तो नहीं आ रहा है, इन सभी का आइडिया लगाया जाता है। तीसरा है पर्यटन में, पर्यटन में जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं, या मान लीजिए जैसे आपने कोई बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया किसी विशेष क्षेत्र में लेकर के, तो आप अगर जो वहाँ पे टूरिस्ट के मतलब टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे तो उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता है ताकि पूर्वानुमान के जरिए आप उन क्षेत्रों में ना जाएँ। जैसे मान लीजिए भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है तो आप उन क्षेत्रों में ना जाएँ, या कहें कि जैसे सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया, आप घूमने के लिए गए हैं कई किसी तटवर्ती क्षेत्रों में चले गए हैं, पर्टिकुलर किसी जगह का नाम लेना सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर जो आप पर्टिकुलर किसी जगह पे गए हुए हैं तो अगर जो वहाँ पे सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है पहले से तो आप उन जगहों पे ना जाएं। मत्स्य पालन में अगर जो मछुआरे हैं मछली पकड़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में, पहले से अगर जो अलर्ट जारी कर दिया गया कि चक्रवात आएगा तो जो मछुआरे हैं वो वहाँ पे ना जाए, और जो समुद्री यातायात है उसको भी क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए कुछ समय के लिए ताकि चक्रवात में हानि ना हो। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, जैसे मैंने अभी बताया प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया जाता है। जैसे मैंने सुनामी बताया, अगर जो किसी क्षेत्र में जैसे मान लीजिए उड़ीसा में सुनामी भी आई तो उससे पहले अलर्ट जारी कर दिया गया और काफ़ी जगह को खाली करा दिया गया, अगर जो उस जगह को खाली करा दिया जाएगा पूर्वानुमान के जरिए लगा दिया गया तो वो प्राकृतिक आपदाओं से काफ़ी ज़्यादा बचाव किया जा सकता है। मान लीजिए किस क्षेत्र में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया तो वहाँ पे भी क्या हो प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जा सके। तो ये पूर्वानुमान के जरिए होता है, बादल फटने की जैसे कंडीशन होती है और भी कंडीशन, खैर अभी हम लोगों का कहेंगे कि भारत में अभी मौसम पूर्वानुमान उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाया है, इसलिए कभी कभी ये जो आते हैं आंकड़े ये गलत साबित हो जाते हैं, या कहें कि गलत नहीं कह सकते हैं, मतलब आंकड़ों के अभाव के जरिए अपूर्ण आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं जिनसे मौसमी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो बदलती रहती हैं और आंकड़े उस हिसाब से बदल नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है नुकसान होने लगता है। परिवहन में है, ट्रांसपोर्ट में, आप जैसे कोई आप एक जगह से दूसरी जगह रेल में ले लीजिए, या कोई आप पर्टिकुलर या आप कोई जैसे मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मान लीजिए आप लखनऊ से आप जाना चाह रहे हैं और जाने के लिए आप चले गए उत्तराखंड आप जा रहे हैं, लेकिन अगर जो आप अलर्ट जारी कर दिया गया है कि भारी बारिश की संभावना है उत्तराखंड में, तो आप ट्रांसपोर्ट आप मत कीजिए, या कहें कि उसके लिए आप उसकी जो भी कंडीशन बताई गई उनको फॉलो करते हुए आगे चलिए। तो ये परिवहन में है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि आज मौसम बहुत ही क्लाउडी है, या कहें कि आज मौसम थोड़ा सा उमस भरा है, अर्थात ये हम कैसे कह सकते हैं कि मौसम उमस भरा है, अर्थात कि किसी जलवायु तत्व का किसी जब एक जब अन्य जलवायु तत्वों पर हावी हो जाता है तो हम उसको उसी के आधार पर बता देते हैं।
तत्वों के आधार पर मौसम की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, या कहें कि जो प्रभावशाली तत्व है वही सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। जैसे हम कहते हैं कि मौसम उमस वाला है अर्थात सल्ट्री है, तो जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो जलवाष्प जो होती है, मतलब कि जो कह सकते हैं जलवाष्प वायुमंडल में इतनी ज़्यादा नमी हो जाती है, और जो नमी हो जाती है तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो भाप बन के उड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत उमस वाली गर्मी महसूस होती है। फिर मेघाच्छादन है, क्लाउडी, अगर जो ऊपर की तरफ अगर जो आप देखें बादलों में, अगर जो आपको दिखे कि बादल छाए हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि मौसम थोड़ा क्लाउडी है, या कहें से आर्द्र ह्यूमिड है, जो ह्यूमिड मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता है। आप किसी क्षेत्र में ऐसे चले जाएं, या जैसे आप किसी अभी आप जैसे जुलाई के महीने में जैसे बारिश शुरू होने वाली है, तो अगर जो बारिश बहुत ज़्यादा गर्मी का आपको एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, कपड़े फैला दिए, सूख नहीं रहे हैं, तो वो सब कह सकते हैं बड़ी आर्द्रता, ह्यूमिड वाला मौसम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर वर्षा युक्त कहते हैं कि हम रेनी है। रेनी का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं बच्चों में स्कूलों में क्या होता है कि रेनी डे घोषित कर दिया जाता है ताकि बारिश हो रही है, अर्थात जब वर्षा का प्रभाव अन्य तत्वों पर हावी रहता है तो उसको हम रेनी कह देते हैं। वर्षा होती है, आप कहते हैं कि आज मौसम बारिश हो रही, तो हम कहते हैं रेनी, अर्थात कि ये जो प्रभावशाली तत्व है वो अन्य तत्वों पर क्या हो रहा है, हावी होता नज़र आ रहा है, इसलिए हम उसके आधार पर हम कह देते हैं कि आज मौसम थोड़ा ऐसा है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि इनके आधार पर क्या किया जाता है कि हम मौसम के आकलन कर सकते हैं। भारत में अलग अलग जगह हैं, आप देख लीजिए, अगर तुम देखें तो मौसम का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप देखें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, कई स्थानीय केंद्र भी बनाए गए हैं, या कहें कि जो भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो जैसे मैंने भारत बनाया है तो आप देख लीजिए, इनमें दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, पुणे में मिलेगा, बेंगलुरु में मिलेगा, स्थलीय क्षेत्रों में, और उसके बाद में कई क्षेत्र जो होते हैं वो नौकाओं पर स्थापित किए जाते हैं। तो वहाँ से भी क्या किया जाता है कि मौसम की या जो भी जो मैंने बताया है ये सब आंकड़े जो होते हैं स्थल से इकट्ठा करते हैं, ये सभी जो और भी जितने स्टेशन हैं वहाँ पे, और जो दूसरे जो मैंने आंकड़े बताए हैं ये क्या करते हैं कि समुद्र मतलब कि इस जलीय क्षेत्रों से क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, समुद्र हो गया, स्थली हो गया, और ये आंकड़े इकट्ठा करके फिर इन क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो रडार होते हैं, रडार के जरिए, या कहें कि जो भी उपग्रह होते हैं वो भी क्या करते हैं कि ये बादलों के ऊपर इन्फ्रारेड के जरिए बादलों का आकलन कर लेते हैं कि क्या कैसी कंडीशन बन रही है। फिर जितने भी सभी आंकड़े होते हैं वो सभी आंकड़े स्थल जलवायु, और आप देख रहे होंगे आप कहीं कहीं पर गुब्बारों का भी यूज किया जाता है कि गुब्बारे छोड़ दिए जाते हैं उनमें सभी इंस्ट्रूमेंट लगा करके, जैसे मैंने बताया है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, ये क्या करते हैं लगा दिए जाते हैं गुब्बारों से भी, वो प्रत्येक स्थिति पर उसका आकलन करता रहता है। इन सब के डाटा जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ये क्या किया जाता है कि जो स्टेशन है ये जो यहाँ पे ये क्या करते हैं इस डाटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में एक वैज्ञानिक जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं एक वैज्ञानिक होता है, या कहें कि जो उसको क्या करता है पूरे डाटा को एनालिसिस करके क्या करता है कि प्रेषित कर देता है कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो ये सभी इन सब के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। आगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप ये देखिए, जैसे ही मैंने बताया कि अभी चांसेस बताए जाते हैं कि बारिश कितनी होगी, ये आप देखिए, ये आज का टाइमिंग दिखा रहा है, आप देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है ड्यू पॉइंट 26% दिखा हुआ है, और ह्यूमिडिटी 55% है, विजिबिलिटी 5 किलोमीटर है, आप देख लीजिए विजिबिलिटी 5 किलोमीटर में लिखा हुआ है। तो 5 किलोमीटर का मतलब क्या है, अर्थात विजिबिलिटी का मतलब ये कि हम 5 किलोमीटर के दृश्यता हमें देख सकते हैं कि हम 5 किलोमीटर विजिबिलिटी रहेगी, उसके बाद हमें देखने को नहीं दिखेगा। फिर उसके नीचे मैंने बताया है कि आप देख लीजिए, तो उसके नीचे क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि बारिश कितनी होगी, आप देख लीजिए नीचे परसेंटेज वगैरह भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए प्रत्येक स्तर पर बारिश का अनुमान लगाया जाता है कि आप देख लीजिए 1 बजे इतना परसेंटेज, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्या किया जाता है अनुमान लगा लेता इतना परसेंटेज बारिश होगी। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे, आपको दिखेगा ये वायु विंड की आप देख सकते हैं विंड डायरेक्शन दिया हुआ है कि हवा किस तरफ चल रही है, देख लीजिए 18 लिखा हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है, और इसकी दिशा आप देखिए पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर है। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे खैर ये तो सनसेट और सनराइज दिखा रहा है, ये आंकड़े हैं इनके आधार पर क्या किया जाता है, आप एयर प्रेशर देख लीजिए 993 मिलीबार दिखा रहा है। तो ये सब क्या करता है, इस आधार पर क्या किया जाता है कि आइडिया लगाया जाता है कि बारिश कितने परसेंटेज होगी। आप देख लीजिए टुडे में दिखा रहा है 80% चांस है, 80% चांस जो दिखा रहा है ये जरूरी नहीं है कि बारिश आज हो ही जाए,
ऐसे अब मैं आप देख लीजिए, 3-4 दिनों से कुछ ऐसी कंडीशन बनती हुई दिख रही, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का अभाव है, बिना आंकड़ों के जरिए ये जारी कर दिया जाता है। इसमें कुछ कारण कह सकते हैं, कुछ मानवीय है, कुछ भारत की कंडीशन ही कुछ ऐसी है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे तुरंत ही जलवायु में परिवर्तन या सॉरी मौसम में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। कभी अचानक बादल आ जाते हैं या कभी एकदम से हवा तेज़ी से चलने लग जाती है। तो इनका आंकड़ों का अभाव कहें या कहें कि जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें ठीक तरीके से अनुमान हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब मौसम विभाग के द्वारा ऐसी चेतावनियां जारी की जाएँ, उनके जो भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाए तो उनको ज़रूर बरतें, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये गलत ही है, ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी रहती है लेकिन उतनी एक्यूरेसी में देखने को मिलती नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जलवायु के बारे में चर्चा करूँगा कि जलवायु का आखिर क्या होती है। मैंने बताया कि दीर्घकालीन अवधि जो होती है, जलवायु जो मापन के तत्व हैं, जब दीर्घकालीन अवस्थाओं में इनको माप लें तो वही क्या कहलाती है, जो उनका एवरेज होता है वही कहलाता है जलवायु। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए याद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।